फ्रेंड्स मेरे भाई लोग कैसे हो मेरे भाई लोग। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की दुआओं से मैं भी काफी अच्छा हूँ। तो एक नए टॉपिक के सामने मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हो गया हूँ। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है क्योंकि जो भी फिटनेस बंदा रहता है, जो भी जिम जाता है, जो भी फिटनेस के बारे में सोचता रहता है, वो हमेशा ही सर्च करता रहता है कि बॉडी बिल्डर क्या खाते हैं, फिटनेस मॉडल क्या खाते हैं, बाहर के कंट्री वाले क्या खाते हैं जिनसे उनकी इतनी अच्छी बॉडी बन रही है। और हम लोग साथ में ये भी सर्च करते रहते हैं कि क्या हमको किस तरीके की डाइट चाहिए और क्या हम लोगों को सस्ते सस्ते सप्लीमेंट, सस्ती डाइट, ऐसा क्या करें जिससे बॉडी हमारी बन जाए, है ना। और सस्ता ही सोचते रहते हैं। तो इसी के मत को ध्यान देते हुए, और क्योंकि मैं भी जिम में जाता हूँ, वर्कआउट करवाता हूँ और बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो एक बात में हमेशा जहन में यही आती है मेरे कि कुछ ऐसा आप लोगों को इस चैनल पे लेके आऊँ ताकि मेरी वजह से आप सब लोग हेल्प हो और साथ में मेरी भी हो। तो अभी बात करने वाले हैं हम क्रीम ऑफ राइस की। तो बहुत लोगों ने, बंदों ने सुना होगा क्रीम ऑफ राइस। और इस सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रीम ऑफ राइस होता क्या है, दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम लोग ये कौन यूज करता है, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि भैया हम इसको कैसे यूज करें, और इंडिया में, और चौथे नंबर पर बात करेंगे हम लोग ये इंडिया में कैसे अवेलेबल होगा। तो पहली बात करते हैं कि क्रीम ऑफ राइस राइस क्या है। बहुत से लोग बॉडी बिल्डरों को आपने बहुत यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कि क्रीम ऑफ राइस खाते हैं। तो ये होता है एक चावल का टुकड़ा, है ना। तो चावल जो बारीक पिसा हुआ रहता है, जैसे आटा भी बोल सकते हो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये बाहर के देशों में काफ़ी महंगा मिलता है ये, है ना। तो ये होता है चावल का आटा। और दूसरे नंबर पे इसे बहुत से लोग बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं मोस्टली, है ना। बाकी नॉर्मल लोग भी यूज करते हैं लेकिन बहुत से लोग बॉडी बिल्डर इसको यूज करते हैं और ये महंगा भी होता है ना। और ये दूसरे तीसरे नंबर पर बात करते हैं इसको किस तरीके से लेना रहता है। बॉडी बिल्डर जो लोग रहते हैं ये वर्कआउट के पहले लेते हैं इसको, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और फाइबर भी इसमें कम रहता है, इसलिए आपको किसी तरीके की ब्लोटिंग वगैरह नहीं रहती लगती है। और आप अगर 1 घंटे के पहले लेते हो वर्कआउट के पहले, तो ये आप इजी तरीके से हजम कर लेते हो उसको और अपना वर्कआउट चालू कर लेते हो, है ना। तो सबसे पहले तो बॉडी बिल्डर्स को प्री वर्कआउट मिल लेते हैं। तो अब दूसरे टॉपिक पे, दूसरे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे बात करते हैं हम लोग को, तो इसमें इंडिया में ये किस तरीके से अवेलेबल है, कि अवेलेबल है भी कि नहीं है, कि क्या ऑप्शन है इसका। तो सबसे पहली बात तो है जो क्रीम ऑफ राइस है वो बहुत महंगा मिलता है, अमेजोन पे मिलता है। और हमारा इंडिया में तो चावल भाई हर जगह मिलता है, दाल चावल खाने वाले लोग हैं हम लोग यार, है ना। तो चावल का आटा जो रहता है, हम चावल को, आटे को पिसवा भी सकते हैं अच्छे तरीके से, या हम डोसा वगैरह खाते हैं, डोसा का भी यूज हम लोग करते हैं, चावल का आटा ही रहता है वो भी एक तरीके का। तो आप उसको प्री वर्कआउट मील में ले सकते हो और बाकी मॉल वगैरह में मिल जाएगा आपको। तो ये मुश्किल से 30-35 रुपए का मिलता है, आधा किलो या 1 किलो, है ना। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बना भी सकते हो प्री वर्कआउट डाल के या नॉर्मल डाल के, बस उसमें पानी ज़्यादा डालना रहता है इसके अंदर। तो ये था क्रीम ऑफ राइस के बारे में, मैंने बात बताई आपको। तो अब इतनी दूर आए हो आप लोग और मेरा वीडियो आपने देख ही लिया हो, तो भाई एक लाइक तो बनता है और शायद मेरे वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ कि जो चीज़ें सस्ती मिल जाए बंदों को, हम लोगों के इंडिया वालों की बॉडी बहुत अच्छी और बन जाए, ओलंपिया जीत जाए, है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो भाई। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।